हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 मई 2023 और आज की 15 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए मैं शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। प्रदेश में आज और कल मौसम साफ, परसों का येलो अलर्ट जारी। तो हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा। 22 और 23 मई को सूबे में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई है और ये बदलाव आने का जो है पूर्वानुमान है। शुक्रवार को प्रदेश भर में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश में धूप खिलने के साथ जो है कई क्षेत्रों में हल्के बादल भी छाए रहे। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की शुक्रवार को कमी भी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 20 और 21 मई को प्रदेश भर में मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के आसार हैं। 22 को जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इसका अधिक असर 23 मई को देखने को मिलेगा। ओके, चलिए उससे नेक्स्ट अपडेट ही रही। प्रोफेसर बंसल ही रहेंगे एचपीयू के कार्यवाहक कुलपति। विश्वविद्यालय के कुलपति कुलाधिपति के आदेशों पर प्रोफेसर बंसल ने फिर संभाली जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थायी नियुक्ति होने तक प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ही एचपीयू के कुलपति रहेंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को एचपीयू के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल ने प्रोफेसर बंसल के एचपीयू के कुलपति पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी से भार मुक्त करने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने प्रोफेसर बंसल को कुलपति के पद पर स्थायी नियुक्ति होने या आगामी आदेशों तक एचपीयू के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार पहले की तरह देखने के आदेश दिए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। JNB में 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 31 मई तक करें आवेदन। तो यहाँ पे JNB ठियोग में 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए 31 मई तक जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और दसवीं कक्षा में 5 विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि आवेदन करने के लिए सत्र 2022-23 में दसवीं की परीक्षा पास विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी जन्मतिथि 1 जून 2006 से 31 जुलाई 2008 तक हो। तो ये वेबसाइट यहाँ पे बताई गई है, यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। उप मुख्यमंत्री मुकेश के घर पहुँचे प्रतिभा विक्रमादित्य, चाय पर हुई सियासी गुफ्तगु। प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की अटकलों के बीच मुलाकात ने गरमाई कांग्रेस की राजनीति। सुक्खू मंत्रिमंडल सहित निगमों और बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर हुई मंत्रणा। मुकेश और विक्रमादित्य बने छोटा शिमला में पड़ोसी। दिल्ली में हाईकमान के समक्ष भी सक्रिय नेताओं को मान सम्मान देने का मामला उठा चुकी हैं प्रतिभा सिंह। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भर्ती होंगे 980 स्कूल प्रवक्ता नियु। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकार राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा भर्ती का प्रस्ताव। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5291 शिक्षकों की भी आयोग करेगा सीधी भर्ती। 3 माह के भीतर हिमाचल के स्कूलों को मिलेंगे 6000 नए शिक्षक, यानी कि 5291 तो जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग उसमें होंगे और बाकी 980 स्कूल नियुक्त प्रवक्ता की भर्ती भी यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो विज्ञापन जो है जल्द ही आयोग इसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर सकता है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर सकता है भर्तियों की, जिसमें कि सबसे पहले मुझे जो लग रहा है कि टीचर्स की ही वैकेंसीज ये भरेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। टीचर्स होंगे तभी पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी तभी विकास होगा। बाकी आगे देखें तो लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती करेगा और 6000 नए शिक्षक जो है स्कूलों को जल्द ही मिलेंगे। इसमें बात करें तो बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में TGT आर्ट्स के 1070, TGT नॉन मेडिकल के 776, TGT मेडिकल के 430, शास्त्री के 494, JVT के 2521 पदों को भरने की स्वीकृति यहाँ पे दी गई है। और आगे देखें तो यहाँ पे सरकार ने आगामी 3 माह में भर्तियों की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि 3 महीने के अंदर सब कुछ उनको कंप्लीट करना है, सारे स्टेप जो भी इन भर्तियों के रिगार्डिंग रहेंगे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बारालाचा में फंसे 110 लोग 15 घंटे में किए रेस्क्यू। देश के सबसे लंबे रूट लेह दिल्ली पर 2 जून से दौड़ेगी HRTC की बस। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 2000 के नोट चलन से होंगे बाहर। बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक बदलवा या जमा करा सकेंगे फिलहाल वैध मुद्रा, मतलब अभी चलेंगे, ऐसा नहीं कि आज से ही बंद हो गए, अभी चलेंगे। बट
अगर आपके पास है तो 30 सितंबर तक आप उनको चेंज करवा सकते हो, बदलवा सकते हो, उसके बाद वो नहीं फिर बदलेंगे। ठीक है, नोटबंदी 2.0 नवंबर 2016 में हुआ था जारी, 2018-19 में से नोटों की छपाई बंद, कुल नोटों में 2000 के नोटों की भागीदारी, तो ये आप देख सकते हो। और देश में 2000 रुपये के नोटों का प्रचलन जो है बंद कर दिया गया है, आरबीआई ने शुक्रवार को ये घोषणा की है। चलिए तो नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में बनेंगे मेगा हाईवे, जोड़ी जाएंगी छावनियाँ, उतर सकेंगे जहाज़। सामरिक महत्व के हाईवे की 90 फीट होगी चौड़ाई, पठानकोट से चंडीगढ़, अंबाला, शिमला, सोलन की छावनियों को जोड़ने की तैयारी। निजी एजेंसी कर रही है नंगड़ा से बाया ऊना, शिमला समेत विभिन्न मार्गों का सर्वे, ऊना जिले में 70 किलोमीटर मार्ग बनेगा मेगा हाईवे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो दोस्तों आज जो है यहाँ पे प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परिणाम। तो ये कल ही न्यूज़ आ गई थी कि सुबह जो है आज यानी कि आज जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परिणाम जो है बोर्ड का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देंगे। तो देखते हैं कब तक इनका रिजल्ट आता है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, अब नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला नोटिफिकेशन ये रहा, ये है MA MBA सेकेंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर अकेडमिक सेशन, यहाँ पे लिखे हुए हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यानी कि PCP ये है क्लासेस के लिए। तो ये टाइम वगैरह सेमेस्टर वगैरह आप देख सकते हो कब कहाँ कब होगी। ठीक है, ये PCP है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। MA म्यूजिक वालों के लिए कंपलसरी है और बाकी की अपनी मर्ज़ी है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना तो आपकी मर्ज़ी है वो। ठीक है, और ये पूरा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये एक और है, DCA एंड DDA सेकेंड सेमेस्टर का PCP, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट, ये आप देख सकते हो कब से कब तक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी नोटिफिकेशन का नोटिस, BPED रीअपेयर फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डेट शीट है। ठीक है, नेक्स्ट ये है BA BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स 6 सेमेस्टर 2016-17 बैच के लिए। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये रही नेक्स्ट शास्त्री सेकंड सेमेस्टर स्पेशल चांस की डेट शीट, फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट स्पेशल चांस। ओके नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये भी है, पहले ये भी देख लो, 6 सेमेस्टर की भी है। ठीक है, नेक्स्ट ये है डेट शीट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी 1 सेमेस्टर की। ओके तो यही है, तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।